एज यू नो के माया हमारे ब्रांड पार्टनर थे और हमारा प्रमोशन अभी स्टार्ट हुआ है. सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू प्रमोट आवर मूवी फॉर एवर. एंड यस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च द कलेक्शन ऑफ माया. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वेरी एक्साइटेड टू मीट यू गाइज एंड प्रमोट आवर मूवी. लोग कहते हैं कि क्या इट्स अ रोम कॉम है, क्या आजकल वर्ड्स हो गए, तो इसका एक नया फ्रेज मैंने किया है, रोम एडवेंचर, यानी कि एक रोमांटिक एडवेंचर है. कहानी में एक नयापन ये है कि एक 12th स्टैंडर्ड की लड़की है, 18 साल की है, साउथ अफ्रीका में पढ़ती है, अपनी फ्रीडम चाहती है, 12th के बाद हॉलीडे पे जाना चाहती है फ्रेंड्स के साथ. लेकिन सडनली उसके जो फादर हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और उसकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाती है. अब सडनली सिक्योरिटी आ गई है, थ्रेट्स हैं वगैरह वगैरह, और उससे एकदम लगता है कि एकदम मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, बंदिश दोस्तों से नहीं मिल पा रही है, किसी से खुल के बाहर नहीं जा पा रही है. तो उसके लिए टेररिस्ट थ्रेट्स भी है, तो दो एजेंट्स भेजे जाते हैं और अलग अलग आते हैं वो लोग. और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो एजेंट एक है लीजा रे, एक हूँ मैं, और हम एक्चुअली 7 साल पहले डिवोर्स हो चुके हैं, हम एक दूसरे से मिले नहीं, और अब सडनली इस मिशन में साथ में आए और हम अब एकदम एक तरीके से टोटली फ्लैबरगास्टेड भी हैं. मतलब ये हद हो गई यार, इसके साथ कहाँ चिपका दिया मुझे, तो वो एक फीलिंग है. तो ये जो एक कपल पीछे चल रहा है और फिर वो लड़की भाग जाती है एक जवान लड़के के साथ, और वहाँ पे वो अपने जहाँ पे उसको जाना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे टेररिस्ट हैं, हम दोनों पीछे चेस कर रहे हैं. हमारी एक छोटी सी कहानी है बीच में लीजा की और मेरी, हमारा जो एक पास्ट है, हमारा माजी है, और किस तरह से हमारा रिलेशनशिप रहा था और अब क्या हो रहा है. तो ये सारे लेके एक एडवेंचर एक कहानी है साउथ अफ्रीका में.